सर मसले हमारे बहुत सारे हैं, इश्यूज हमारे बहुत सारे हैं, बताने में हम थक जाएंगे। आप हमारी बात सुनोगे आप भी थक जाओगे। सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, सबकी बात की गई, हर कौम की, हर कबीले की, हर तबके की, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर वन ऑफ द सेवंथ एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन द वैली ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। इनकी पेंशन की अगर बात करें ना, पेंशन की, ठीक है यार गवर्नर साहब से मैं पूछता हूँ, आपने सब कुछ ठीक ठाक किया, सब कुछ अच्छा किया, अगर हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में 3,000, 3,500, 4,000, तो जम्मू कश्मीर में ये आर्डर क्यों नहीं लिमिट होता है? अगर देखें, ये रोज़ मीटिंगें करते हैं, रोज़ कहीं होते हैं, अगर इसके लिए भी एक काउंसिल की मीटिंग बुला के डिस्कशन करें ताकि हमें भी हक मिले, हमें भी राइट मिले, हमें भी हकूक मिले, जो हम चाहते हैं जनाब, जो चाहते हैं हमें, सरकार ने आज तक वो हमें दिया ही नहीं जनाब। टोटली यू आर इग्नोर फ्रॉम एवरी सेक्टर, फ्रॉम डिसेबिलिटी पर्सन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमें कुछ नहीं मिला जनाब। अब इसलिए हम रोते हैं ना, इसलिए मैंने ये कफन पहन के रखा है कि सरकार ने टोटली इग्नोर, हमें इग्नोर किया सरकार ने। अगर सरकार को चाहिए था कि जो बजट पेश हुआ इसमें सबसे वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भेज देनी थी, जो डिसेबल पर्सन लोग हैं, विडोज हमारी माएँ, ओल्ड एज पर्सन हमारी माँ। एक मैं आज कहता हूँ, क्लियर मैसेज मेरी गवर्नमेंट से, अगर सरकार ने हमारे मसले हल नहीं किए, अगर गवर्नमेंट ने हमारे मसले हल नहीं किए, वो दिन दूर नहीं, वी आर ब्लॉक द प्रेस कॉली एंड वी आर ब्लॉक द हेडक्वार्टर सर। इसीलिए था कि जो हाल ही में मरकजी हुकूमत ने बजट पेश किया है उसमें जिस्मानी तौर माजूर लोगों को हर लिहाज से नज़रअंदाज किया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पर नज़रसानी किया जाए और जिस्मानी तौर नाखिज लोगों का ख्याल किया जाए। और साथ ही हमारे बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो हम पिछले 20 साल से सरकार तक पहुँचाते रहे और पहुँचाते रहेंगे, और उनको मतलब जैसे कि मतलब उनको उन्होंने यकीन दहानी दी है और उम्मीदें हमें रखी है, और कुछ आर्डर्स भी निकाले गए हैं, मगर अमली तौर पर उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ना हमारे को उसका कोई फ़ायदा मिला है। हम चाहते हैं कि जितने भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें मतलब राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत जितने भी बेनिफिट्स दे दिए हैं वो जल्द अज जल्द हम पर लागू किया जाए और हमें उसका ये फ़ायदा मिलना चाहिए, ना कि दावे किए जाते हैं और आर्डर्स निकाले जाते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता है। हम ये खोखले दावे मंजूर करने मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने भी मसले मसाइल है वो जल्द अज जल्द हल करिए ताकि हम बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना हो जाएंगे।